अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। मैंने ईडरप से सूट मंगवाया था तो वो रात आ गया था, मैंने इसको ओपन नहीं किया तो अब आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ ताकि आप लोग भी देखें कि मेरा सूट कैसा है। जब मैंने इसको खोला तो मैं वह मामी से कह रही थी कि पहली बार इन्होंने साथ बिल भी भेजा है, हालांकि पहले तो कभी बिल नहीं आया, तो वही मैंने निकाला है पहले तो और मामी को दिखा रही थी। ये कमीज़ है और साइड पे उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत प्यारा है, खद्दर का ये सूट है। और ये इसका ट्राउज़र है। सूट बहुत प्यारा है, मैंने और सूट पसंद किया था लेकिन मामी ने कहा ये सूट ज़्यादा प्यारा है तो इसको मंगवा लो, तो वाकई ये सूट बहुत प्यारा है। आज हमारे घर हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उनके लिए क्या बनाया है आपसे शेयर करते हैं। कस्टर्ड बना लिया है और अब फ्रूट केक के स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस कर लिए, अब बाउल में सबसे पहले ये केक रख देंगे नीचे, उसके बाद ऊपर जो है ये कस्टर्ड फैला देंगे। कस्टर्ड डालने के बाद फिर से ऊपर ये स्लाइस डाल देंगे केक। केक स्लाइस डालने के बाद फिर से जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो डाल देंगे। बस मीठा हमारा तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है जब ये ठंडा हो जाता है। और साथ मामी ने इधर साग बनाया है, चिकन में बनाया है साग, और साथ में ये कोफ्ते बना रही थी। साग बिल्कुल तैयार हो गया है और इधर से कोफ्तों का मसाला भी तैयार हो गया है। बस फ्रीज़ करके रखे थे कोफ्ते, वो निकाल के रख दिए थे, अब मैं वही इसमें डाल दूँगी। साग बन गया तो मामी ने फिर कढ़ाई चढ़ा दी कि पुलाव बना लेते हैं। अक्सर लोग तो
पानी में ही कोफ्ते डाल देते हैं, उबले उबलते हुए पानी में रखकर हम पहले इसको ऐसे भूनते हैं, फिर हम इस पे पानी डालते हैं, और इस तरह टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको मैं ऐसे से चम्मच चला रही थी ताकि ये टूटे ना, और शुक्र है गैस भी अच्छी आ रही थी और अच्छा अच्छा काम हो रहा था। वरना तो जो चीज़ 10 मिनट में तैयार होती है वो 1 घंटे में तैयार होती थी गैस की वजह से। प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मटर और टमाटर भी डाल दिए थे और साथ ही मसाले भी डाल दिए ताकि मसाला भी भून जाए साथ साथ। बस अब इसमें पानी डाल दूँगी और कोफ्ते में भी पानी डाल दूँगी अब, क्योंकि उसको मैंने भून लिया था कोफ्ते अच्छी तरह। कोफ्ते तैयार हो गए हैं, बस इसमें धनिया डाल दिया है और साथ ही उसका पानी भी उबल रहा है। चावलों में अब चावल डाल दूंगी, बस चावल डाल के बस उसको दम लगा देंगे, हमारा खाना रेडी है। बस खाना लगा दिया है, साथ मक्खन भी मामी ने उसी वक्त बना लिया था, क्योंकि साग के साथ मक्खन अच्छा लगता है। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर आऊँगी। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।